सुनकर बेहद खुशी होगी कि दिल्ली सरकार ने कैंसर के मरीजों के लिए दिल्ली के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन पंजीयन की पहल शुरू कर दी है। वहीं कैंसर के मरीजों के लिए यह सुविधा ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जाएगी। वहीं इस इंस्टीट्यूट के निदेशक का कहना है कि इस हॉस्पिटल में ऑनलाइन पंजीयन कराने वालों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था भी की गई है ताकि कैंसर के मरीजों को अपना ज्यादा समय बर्बाद ना करना पड़े और साथ ही वो अपने समय की बचत कर सके। वहीं अक्सर देखा जाता है कि अस्पतालों में कैंसर को लेकर लंबी तादाद लगी रहती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं राजधानी के कई सरकारी अस्पतालों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार जल्द ही इन अस्पतालों में कैंसर के इलाज की सुविधा जारी करा सकती है। साथ ही दिल्ली सरकार जल्द ही सभी सरकारी और गैर लाभकारी अस्पतालों की सूची तैयार करेगी। बहुत जल्द ही इसकी घोषणा भी हो सकती है। वहीं सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार ने कैंसर के अस्पताल को बढ़ाने के लिए कुछ और प्रोजेक्ट्स भी लागू कर दिए हैं। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स पर जल्द ही काम शुरू भी हो जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि अस्पताल के लिए विशेष ब्लॉक का निर्माण भी कराया जा सकता है। वहीं एम्स और सफदरजंग के जैसे ही अब गुरु तेज बहादुर अस्पताल और कैंसर अस्पताल के बीच काफी भीड़ भाड़ का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है जिससे जीटीबी अस्पताल के आसपास ही कैंसर के लिए एक अलग से ब्लॉक बनाने की शुरुआत जल्द ही होगी। साथ ही सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है ताकि कैंसर जैसे मरीजों को आसानी से लाभ मिल सके, साथ ही उन्हें इस कैंसर जैसे भयानक बीमारी से निजात भी मिल सके। नेक्स्ट 9 क्विरिन हेल्थ की रिपोर्ट।